धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि एक वेद को छोड़ करके दुनिया में जितने भी मजहबी पुस्तक हैं, सभी मजहबी पुस्तकों में किस्सा और कहानी की गुंजाइश है। सभी मजहबी पुस्तक किस्सा और कहानियों से लोगों का मन लुभाया है, और विशेष करके जिसकी चर्चा कुरान की मैं कर रहा था, जो कुरान किस्सा और कहानी की किताब है, जो अल्लाह ने खुद फरमाया है, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसना अल-क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान व इन कुंता मिन क़ब्लिही लमिनल ग़ाफ़िलीन। ये सूरह यूसुफ आयत नंबर 3 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। आज इसी प्रकार के एक किस्सा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। यद्यपि सुबह भी एक किस्सा सुनाया था, आकाश का दरवाज़ा खुल जाने वाली बात, आकाश का दरवाज़ा खुल जाना और जन्नत के अंदर में हूरों को किस तरीके से बिना किसी बात के तैयार कर देना अल्लाह के द्वारा, लेकिन अल्लाह मरियम के ईसा तैयार करने में अल्लाह को पसीने छोड़ गए, अल्लाह को फूंक का सहारा लेना पड़ा, और फूंक कैसी जगह में मारी ये तो आप लोगों ने देखा है। सूरह अंबिया आयत नंबर 91 में कहा है, वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा बिर्रूहिना वजअलनाह वबनाह आयत लिलआलमीन। ये आप लोगों ने देखा है। आज ये भी एक किस्सा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और देखिए किस तरीके से किम बदलती है और कैसा किस्सा अल्लाह ने कुरान में वर्णन किया है, जिस किस्सा को, जिस कुरान को लोग कलामुल्लाह कहते हैं। यहाँ सूरह शोरा, सूरह नंबर है 26, आयत नंबर 155, 156, 157, 158, 159 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। क्या कहा वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। قال هذه ناقة لها شرب ولهم شرب يوم معلوم ولا تمسها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأقروها فأصبحوا نادمين فأخذناهم العذاب إن في ذلك الآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز العزيز الرحيم। यह अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि आपने फरमाया है कि तू ऊंटनी पानी पीने की एक बारी इस की और एक मुकर्रर दिन की बारी पानी पीने की तुम्हारी है, और खबरदार बराई से हाथ ना निकाला टांग ना लगाना, और एक बड़े भारी दिन का अजाब तुम्हारे गिरफ्त कर लेगा, फिर भी उन्होंने इससे तो जी काट डाले, फिर तो पेशमानी हो गए और अजाब से उन्हें आवेगा, और जा चाहे शक इसमें इबरत है, और उनमें से अक्सर लोग मोमिन न थे, और बेशक तेरा रब तेरा परवरदिगार का दोस्त और मेहरबान है। इसमें ये बताया गया है कि हजरत सालेह नाम के एक पैगंबर थे, और लोग उनसे संतुष्ट नहीं थे, अर्थात लोग उनकी बातों को मानना नहीं चाहते थे, और वो एक मौजज़ा दिखाने के लिए लोगों ने उनको कहा, और आपने फरमाया कि ऊँटनी पानी पीने की एक बारी उसकी और एक मुकर्रर दिन की बारी पानी पीने की तुम्हारी है,
खबरदार उसे उसे बुराई से हाथ ना लगाना, वरना एक बड़े भारी दिन का अजाब तुम्हारे लिए गिरफ्तार कर लिए जाओगे। फिर भी उन्होंने उसकी छीन काट डाली। फिर तो पेशेमान हो गए और अजाब ने आ घेरा या आ दबोचा। बेशक उसमें हजरत है इसमें इबरत है कि और उनमें से अक्सर लोग मोमिन न थे। बेशक वो तेरा जबरदस्त और मेहरबान है। ये किस्सा उस समय की है जब ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे जो उनके लिए ये कहा जा रहा था कि वो कोई चमत्कार दिखाए। तो लोगों ने कहा कि चमत्कार आप दिखाना चाहते हो तो सामने ये टीला है, पत्थर है, और इन पत्थर से एक ऊँटनी निकालो और वो ऊँटनी भी गाभिन हो। उस ऊँटनी को निकालो। तो गाभिन ऊँटनी को हजरत साले ने कहा कि ठीक है, मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ। और दुआ मांगने के बाद एक गाभिन ऊँटनी पहाड़ के अंदर से निकाला। और ये क्यों और कैसा संभव है पहाड़ के अंदर से गाभिन ऊँटनी निकाला जाना? ये गप किस तरीके से गप है या गप्पा है, ये तो दुनिया के पढ़े लिखे लोग ही विचार करेंगे। ये क्यों कर संभव है? ऐसे किस्सा कहानी कुरान में भरे पड़े हैं, ये कुरान में भरे पड़े हैं ऐसे किस्सा और कहानियों से। और कुरान में अल्लाह ने कहा ही इस बात को कि नहनु नकुस्सु अलैका हसनल कसस, कि एक मनोरम किस्सा बयान किया जा रहा है। तो ये मनोरम किस्सों में ये किस्सा ये भी बयान किया गया है। पूछा कि तुमने मौजज़ा दिखाना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हाँ, ये पत्थर बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, इनमें से एक देखते हुए फटके और उसमें से एक गाभिन ऊँटनी उस रंग की ऐसी ऐसी निकाले। आपने फरमाया अच्छा, अगर मैं इसमें से ऊँटनी निकाल दूँ अल्लाह से दुआ मांग करके तो मेरा मौजज़ा देख करके तुम लोग ईमान ले आओगे? उन लोगों ने कहा हाँ, ईमान ले आएंगे। सब ने पुख्ता वादा किया और करार किए गए कि सब ईमान लाएंगे और उसके नबूवत मान लेंगे। आप बहुत जल्द ये योजना दिखाएंगे। आपने उसी वक्त नमाज शुरू कर दी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के उसी वक्त ही पत्थर के अंदर से ही एक ऊँटनी निकले। कुछ लोग इसके इकरार के मोमिन हो गए जिन्होंने वादा किया था, और कुछ लोग अभी काफिर के काफिर रह गए। जबकि अल्लाह अपने तरफ से भी ये नहीं कह पाए, मैं अगर चाहता हूँ इन बेदीनों को दीन में बुला सकता हूँ। अल्लाह यशा अल्लाह उलादरना से जमीआ, जब अल्लाह ने खुद कहा मैं चाहूँ तो चंद मिनटों में बेदीनों को दिन में मिला सकता हूँ, लेकिन अल्लाह ने यह नहीं चाहा। और एक चमत्कार एक मौजज़ा दिखाने के बाद भी लोग ईमान लाने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसी घटना अनेक है। जब मक्का के काफिर लोगों ने हजरत मोहम्मद साहब से पूछा कि आप पैगंबर हैं, हम मानेंगे, लेकिन आप ये जो सफ़ा पहाड़ है इस सफ़ा पहाड़ को सोने का बना दो तो हम आपको पैगंबर मान लेंगे, आपके नबूवत स्वीकार कर लेंगे। अल्लाह ने उसके जवाब में कहा कि नहीं, ये तुम सोने का पहाड़ बना दो तो भी ये ईमान नहीं लाएंगे, मैंने इनके दिल में मोहर लगा दिया है। अब बंधो ये विचार नहीं है, बात ये है कि अल्लाह का काम क्या है देखेगा। अल्लाह जिसके चाहते हैं दिल में मोहर लगा देते हैं। जबकि अल्लाह का कार्य क्या होना चाहिए था कि मानव मात्र का चहुमुखी विकास, प्राणी मात्र का कल्याण किसमें हो, मानव मात्र का चहुमुखी विकास जिसमें हो वो काम करना, लेकिन अल्लाह का वो काम नहीं है। अल्लाह केवल यहाँ किम बदलती और उठा पटक ये बिल्कुल समझ लीजिए कि ये मदारी वाला खेल दिखा रहे हैं। मदारी वाला खेल दिखा करके अल्लाह दुनिया को अपने नबी के पक्ष में कर रहे हैं। ये है कि किस्सा, इस छोटा सा किस्सा को मैं आप लोगों के सामने रखना उचित समझा कि किस्से तो ऐसे कुरान भरे पड़े
ऐसे किस्सों से, और कुरान खुद कह रहा है कि ये मनोरम किस्सा मैं बयान कर रहा हूँ। ये छोटा सा किस्सा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। मैं उलमाए दीन को चुनौती दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, आओ जिसको मैदान में आना हो आओ, सामने आओ, सामने आ करके कुरान को कलामुल्ला सिद्ध करके दिखाओ कि कौन आ रहा है मैदान में कि कुरान कलामुल्ला है। इसको सिद्ध करने के लिए ऐसे किस्सा और कहानी की गुंजाइश जहाँ हो वो कलामुल्ला क्यों और कैसे होना संभव है, ये पहाड़ के अंदर से उठनी निकालना, ये कौन सी तुक की बात है, कौन सी सच्चाई है इसमें। इसीलिए मैं उलमाए दीन को, इस्लाम जगत के आलिमों को चुनौती दे रहा हूँ, आओ जिसको मन करे आओ, सामने आओ, सामने आकर के मुकाबला करो कि हाँ सही अर्थ में कुरान कलामुल्ला है। ये मेरी खुली चुनौती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा वाणी को यहीं पर विराम दूँ। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आइकन बेल दबाना ना भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल हरि, धन्यवाद।